अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाज बाय अज़रा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप स्किन वाइटनिंग के लिए टोमेटो को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फेशियल करने से हमारी स्किन ज़्यादा ग्लोइंग और हेल्दी हो जाती है, इसलिए महीने में दो बार नेचुरल तरीके से फेशियल ज़रूर करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी टमाटर से आप कैसे फेशियल कर सकते हैं और इसका महीने में दो दफ़ा इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी स्किन जो है ग्लोइंग, हेल्दी और ब्यूटीफुल नज़र आएगी और हो जाएगी। अगर आपकी स्किन डल है तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं, इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इसका वाज़ह फ़र्क लगेगा। आपकी स्किन जो है ग्लोइंग और बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी और आपका कलर भी बहुत हद तक लाइट हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्किन वाइटनिंग टोमेटो फेशियल का फर्स्ट स्टेप है क्लिनसिंग। इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले आपने एक बोल लेना है, इसमें आपने डालना है 1 टेबलस्पून टोमेटो, जो हम लोगों ने पेस्ट बना के रखा है वो आप इसके अंदर डाल दें। इसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर दें। अगर आपके पास रॉ मिल्क है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बॉइल्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने करना है अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद किसी भी कॉटन बॉल की मदद से या अगर आपके पास कॉटन पैड है तो उसकी मदद से आप अपने फेस के ऊपर इसको अच्छी तरह इसकी एप्लीकेशन करें। मेरे पास ये कॉटन पैड है, इसके साथ मैं अपने हाथ के ऊपर आपको करके बताती हूँ। आपने अपने फेस के ऊपर अच्छे तरीके से इसको लगाना है, अपने नेक के ऊपर भी इसकी एप्लीकेशन करें। मिल्क में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ ही टमाटर स्किन को नरिश और लाइटन करता है। ये जब आप अपने पूरे फेस के ऊपर, नेक के ऊपर इसको लगा देंगे तो 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। 15 मिनट के बाद सिंपल वाटर से आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। अब सेकंड स्टेप है स्क्रबिंग का। स्क्रब बनाने के लिए एक बोल में आपने डालना है बेसन 1 टेबलस्पून, चीनी आप इसके अंदर डालें 1 टेबलस्पून। इन दोनों को आपने करना है अच्छे तरीके से मिक्स। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने एक टमाटर लेना है, उसको आपने हाफ कट कर लेना है। हाफ कट करके इस मिक्सचर में आपने इसको डिप करना है। डिप करने के बाद आपने ये जो छुरी है इसकी मदद से आपने इसके अंदर थोड़ा सा कट कर दें ताकि इसका जो जूस है वो भी थोड़ा सा बाहर आए। और जब आप अपने फेस के ऊपर इसका स्क्रबिंग करेंगे इसके टमाटर के साथ तो हल्का हल्का आपने इसको प्रेस भी करते जाना है ताकि इसका जो जूस है वो भी बाहर आ जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने अपने फेस के ऊपर जेंटली आपने मसाज करना है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने इसे अपने फेस के ऊपर स्क्रब करना है। ये स्क्रब स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए अमेजिंग है और साथ ही स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाएगी। इसी तरीके से आपने 5 मिनट बिल्कुल हल्के हाथों से आपने अपने फेस के ऊपर, अपनी नेक के ऊपर आपने स्क्रब करना है और उसके बाद सिंपल वाटर से आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। अब जो लास्ट स्टेप है वो है फेस पैक का। इसके लिए जो टमाटर के छोटे छोटे पीसेस किए थे वो आपने उसका पेस्ट बना लेना है। एक प्याले में दही 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच आपने डालना है और ये जो टमाटर का पेस्ट बनाया था 2 चम्मच आप इसमें डाल दें, दही और शहद में। बेसन आपने इसके अंदर डालना है 2 चम्मच। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये आपका फेयरनेस फेस पैक जो है रेडी है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसको आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है।
इस पैक में एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी है, साथ ही स्किन पैक जो है वो आपकी स्किन को, ये जो पैक है ये आपकी स्किन को लाइट करेगा, आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, ग्लोइंग करेगा, और आपकी स्किन जो है डे बाय डे, जब आप इसको स्टार्ट में आपने इसको 1 वीक में एक दफ़ा आपने ज़रूर इसको लगाना है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता महीने में 2 दफ़ा इसको फेस पैक को, पूरे फेशियल को, 3 स्टेप्स हैं, इसको आपने महीने में 2 दफ़ा ज़रूर करना है, आपकी स्किन जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। बेसन जो है एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करता है, दही स्किन को नरिश और ग्लोइंग करती है। 30 मिनट्स आपने अपने फेस के ऊपर लगाना है फेस पैक को, उसके बाद आपने फेस वॉश कर लेना है, और आप देख सकते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको कितने वाजे फ़र्क लगे हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।